بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये आज हम कुछ कैलकुलेशन लेकर आए हैं. ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद है, पब्लिक इंटरनेट पर मौजूद है. उन कैलकुलेशंस को मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर निकाला है कि अगर हम ये इस्तेमाल करें तो हमारे 200 बिलियन रुपीज़ सालाना के बच सकते हैं. ईयरली 200 बिलियन हमने निकाला था, 2 खरब रुपए सालाना के बच सकते हैं. कैसे? उसने प्लान भी लिखा हुआ है. मैंने अल्लाह करे ये किसी की चाहत ये है, अल्लाह करे कि किसी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच जाए. जब तक वहाँ से एक्शन नहीं होगा, वहाँ से ऑर्डर नहीं होगा, जब तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी. क्योंकि मैं पिछले 19 साल से इस बात की कोशिश कर रहा हूँ अपनी हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैंने जॉब की, कि जो है पैसे बचाने के लिए ओपन सोर्स लिनक्स का इस्तेमाल किया जाए. लेकिन लोग कंसर्न होते हैं, नहीं करते. तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि लिनक्स इज़ नॉट बेटर देन विंडोज़. विंडोज़ बहुत यूज़र फ्रेंडली है और ईजी टू यूज़ है, वट एवर एक्स वाई जी. लेकिन इक्वली लिनक्स भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. हम पहले ही देखते हैं नंबर्स के हम कैसे बचा सकते हैं. क्योंकि 200 बिलियन 2 खरब बहुत होता है. इस साल हमारे पाकिस्तान का जो बजट है, जो गवर्नमेंट ने 2020 और 2021 का जो बजट अनाउंस किया है पूरे मुल्क के लिए, वह है 7022 बिलियंस. तो उसमें से अगर 200 बिलियन हम बचा सकते हैं, दैट्स नॉट बैड, रादर इट्स अ बिग अमाउंट. इतने में हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटीज़ खड़ी हो जाएंगी, कई फला 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 एक्स वाई जी डैम्स बन जाएंगे हमारे. डैम्स हमने एटलीस्ट वन तो बन जाएगा. खेती बाड़ी, दरख्त, शजकारी, ये वो सब चीज़ें. जबकि हम ना क्वालिटी रिड्यूस करने को कह रहे हैं, ना परफॉर्मेंस रिड्यूस करने को कह रहे हैं, रादर बढ़ेंगी. इनिशियली हर चीज़ में एक लर्निंग कर्व होता है. उस लर्निंग कर्व के वक्त में परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होगी, रिजल्ट्स वो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद मिलना शुरू हो जाएंगे. आगे चलते हैं. ये बात मैं ज़ुबानी कर चुका आपसे, एग्जैक्ट नंबर ये आ रहा है. आगे हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा. ये मैंने इंटरनेट से डेटा उठाया है. पाकिस्तान में 184 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2017-18 का डेटा है. उसके बाद 19-20 और 20-21 ये दो और एडमिशन हो चुके हैं, और जिसके अंदर 1,580,000 स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हुए हैं. ये जिस वेबसाइट पर है वो वेबसाइट में नीचे लिखी हुई है, हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट है. लिंक मैं कोशिश करूँगा कि मैं याद रहे और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इंशाल्लाह ताला. अच्छा, जो आज की फिगर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिल सकती हैं. ये स्टूडेंट्स अगले 4 सालों में, सिर्फ ये नहीं, ये तो 1 साल के स्टूडेंट्स हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लें 4 से, उसको 60 यानी कि 1,580,000 को जब मल्टीप्लाई करें आप 4 साल से, तो 63 लाख बन जाते हैं, लाइक 6.3 मिलियन. ये सब के सब जॉब्स कर रहे होंगे अगले 4 सालों के अंदर, या अपना बिजनेस कर रहे होंगे, या जॉबलेस होंगे, जॉब तलाश कर रहे होंगे, तब भी सिस्टम्स यूज़ कर रहे होंगे. ये डेस्क पर काम करने वाले हैं, लेबर नहीं है ये लोग. ये सब के सब वो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होंगे जिस पर विंडोज़ और ऑफिस चल रहा है. ऑफिस के अंदर सिर्फ यही मसला नहीं है. अच्छा, कैलकुलेशन कैसे हो रही है ये देख लीजिए. विंडोज़ ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से उठाई गया डेटा है, और लाइक 2 वीक्स पहले का डेटा है ये. तो ये विंडोज़ 10 प्रो जो है 42,000 का है, और एमएस ऑफिस प्रोफेशनल ये 84,000 का है. 85 हो गया, 85,000. यस, एक रुपये कम है भाई. ये भी सेलिंग पॉइंट होता है. बाटा नंबर है ये, बाटा नंबर. लिंक इसका भी दिया हुआ है इसी प्रेजेंटेशन के अंदर. तो जैसे कि मैंने बताया कि 4 साल में एवरेज के हिसाब से 6.3 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, और एक डेस्कटॉप जिसके अंदर विंडोज़ और ऑफिस है
वो 1,27,000 का पड़ेगा। और इस तरीके से हमें ये 809,391,769,056 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो लाइसेंस के पैसे नहीं देंगे, तो वो चोरी का गुनाह पाएंगे, एथिकली भी, लीगली भी और मॉरली भी, इस्लामिकली भी, शरई लिहाज से हर एतबार से गुनहगार हैं, ये चोर हैं। तो चोरी कोई अच्छा काम नहीं है भाई, पढ़े लिखे लोगों चोरियाँ नहीं करो। जबकि आपके पास एक अल्टरनेट मौजूद है, पैसे नहीं हैं तो फ्री में इस्तेमाल करो। हम सऊदी अरब में रह रहे हैं इस वक्त, 100% लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, इलीगल नहीं यूज़ होता। गवर्नमेंट का सख्ती है, गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स हैं, कोई चीज़ भी विदाउट लाइसेंस यूज़ नहीं होती है। अच्छा, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं काम करते, एटलीस्ट डबल द नंबर जॉब कर रहे होते हैं। जब मैंने इंटरनेट से डेटा उठाया कि पाकिस्तान में टोटल कितने कंप्यूटर्स चल रहे हैं, तो कंप्यूटर्स जो हैं दैट आर अराउंड 30% ऑफ द टोटल इंटरनेट डिवाइसेस। इंटरनेट डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रही हैं वो भी डेटा मौजूद है, कहाँ है नॉट एग्जैक्टली है मेरे पास, कहीं पड़ा हो, मैं कहीं इसी वीडियो के आखिर में या बीच में कहीं पेस्ट कर दूंगा इसको, बल्कि इसी जगह पर मैं पेस्ट कर दूंगा इसको एडिट करके। और ये वीडियो जो एडिट होगी वो KDN लाइव पर हम करेंगे। ये कहाँ है मकिन, चलो वापस चलते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो डबल से ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी मैंने कैलकुलेट किया। तो 1.6 ट्रिलियन रुपीस खर्च होंगे लीगल होने के लिए, ना करें तो इलीगल हैं। और इलीगल होना, हमने जैसे बात की, हर एतबार से गलत ही है, शरई एतबार से भी और उसके एतबार से भी। तो ये बनता है खरब, 16 खरब 18 अरब पाकिस्तानी रुपए। कैसे बचाएं? लिनक्स यूज़ करके बचाएं। अच्छा, इन पैसों में सपोर्ट शामिल नहीं है, सपोर्ट जो है वो अलग से है, ये इसमें देखा जा सकता है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट से उठाए है, सपोर्ट की क्या प्राइस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मगर सपोर्ट मौजूद होती है। लिनक्स की जब हम बात करते हैं लोग कहते हैं सपोर्ट कौन देगा, सपोर्ट कौन देगा, रेस्पेक्टिव वेंडर्स वो सपोर्ट देंगे। हम फ्री लिनक्स यूज़ करें, फ्री लिबर ऑफिस यूज़ करें, जो प्री इंस्टॉल्ड आता है हर लिनक्स के अंदर, ये प्री इंस्टॉल्ड आता है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें, उबंटू, मोस्ट इजी, मोस्ट कॉमन, इजीली रिजॉल्वेबल थिंग्स, सब चीज़ें हैं, फिक्स होती है बहुत तेज़ी से हर एतबार से, तो ये हम इस्तेमाल करें। ये होगा कैसे, हम कुछ सिफात देखते हैं लिनक्स की, कैसे अच्छा है, क्या अच्छाई है इसके अंदर, वो आपको वैसे मिल जाएगा नेट के ऊपर, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहीं से कॉपी पेस्ट करके मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाला है। अगर हम ये कुछ स्टोरीज हैं जो जो मेरे पास लोग आए, मुख्तलिफ लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया, वो कहते हैं अरे इतना आसान है, इट्स जस्ट लाइक एज ईजी एज ABC, इतना आसान है, और किसी को फ़र्क नहीं महसूस होता। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली और दोस्तों की फैमिलीज, बच्चे, सबको आसान लगता है, इसमें मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि सबके हाथ में लिनक्स मौजूद है और सबके हाथ ये इन सब डिवाइसेस पर लिनक्स चल रहा है। अच्छा जी, इसको उसके साथ होना चाहिए था। बहरहाल, लिनक्स के अंदर ये सब चीज़ें हैं, कैसे हैं ये आप सर्च करेंगे वाई लिनक्स, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, और जो चीज़ें मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट की हैं वो इधर लिंक में मौजूद हैं। अच्छा जी, लिनक्स स्टेबल है, रिलायबल है, सिक्योर है। इसको साबित करने के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स, दुनिया में सिर्फ 500 सुपर कंप्यूटर्स नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है top500.org, ये पिछले 1993 की जून से ये लिस्ट जमा करती है top 500 सुपर कंप्यूटर्स विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, पावर, XYZ। परफॉर्मेंस ही होती है उसके अंदर, परफॉर्मेंस के एतबार से कौन टॉप जा रहा है, वो एक रेटिंग बनाती है ये। तो
उसके अंदर हम आगे एक वीडियो देखेंगे, नहीं बता देते हैं आपको। पहला जो सर्वर लिनक्स दाखिल हुआ वो 1997 में यहाँ दाखिल हुआ, नवंबर 1997 में। सुपर कंप्यूटिंग में जाहिर सी बात है आया था, तब तो टॉप के अंदर आया, टॉप 500 के अंदर। 2017 में, ये मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि लिनक्स जो है वो किस तेज़ी से, पूरा ग्राफ इसके अंदर है। 2017 में लिनक्स इस रेस में 1997 में रेस में दाखिल हुआ। 2017 में ऑल 500 आउट ऑफ 500 सुपर कंप्यूटर्स लिनक्स थे, जो आज तक वही हैं। विंडोज़ किसी भी ज़माने में सिर्फ चार तक गया, मैक्सिमम चार विंडोज़ के सर्वर्स आए जो टॉप 500 में आए। मैं ये नहीं कर रहा नहीं होंगे, 501 हो सकता है, 502 हो सकता है, बट इन 500 वो जब भी आया मैक्सिमम वो यहाँ पर एक दफ़ा नज़र आ रहा है। और फिर इसको आप देख सकते हैं, इस वीडियो को भी, ये सारी लिस्टें यहाँ से उठाई हुई हैं top500.org इस लिंक से। तो कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट क्यों नहीं हो रही स्लाइड। लिनक्स बहुत सारी सिफात हैं, फ्री है, फ्रीडम है, जहाँ चाहे इंस्टॉल करें, हर किस्म के फुटप्रिंट के ऊपर आ सकते हैं। सिक्योर इन द सेंस वायरसेस नहीं है, सिक्योर है तो रॉकेट्स में, स्पेस में इस्तेमाल हो रहा है, नासा के सारे कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है, US डिफेंस ऑफिसेस के अंदर यूज़ हो रहा है, और फ्लेक्सिबल इतना है कि बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर्स और छोटे से छोटे आपके हाथ में बंधी क्लॉक के अंदर भी स्मार्ट वॉचेस सारी की सारी लिनक्स पर चल रही हैं। ये कुछ चीज़ दिखाई, ये नासा का एक रोबोट है, एंड देन ये गाड़ियाँ हैं आपकी, घरों के डिवाइसेस हैं, आपका टीवी और सब चीज़ें लिनक्स पर चल रही हैं। ये आपको एक दिखा दिया कि उबंटू चलता हुआ कैसे नज़र आता है, ये अभी थोड़े पहले ही मैंने आपको दिखाया था। खैर इसको हम जल्दी जल्दी निपटाते हैं, फिर वीडियो कौन देखेगा भाई, आगे चलते हैं। ये MS वर्ड का अल्टरनेट है, लेबर ऑफिस राइट, लेबर ऑफिस कैल्क एक्सेल का अल्टरनेट है, पावर पॉइंट का अल्टरनेट जो है, लेबर ऑफिस इम्प्रेस है, ड्रॉ जो है, आई डोंट नो के विंडोज़ में किससे कंपेयर करते हैं, मेरे ड्राइंग का ज़्यादा काम नहीं है। बेस जो है ये एक्सेस से कंपेरेबल है, MS एक्सेस आता है। एंड्रॉयड्स के ऊपर 76% एंड्रॉयड्स हैं, सब लिनक्स हैं, एंड्रॉयड्स लिनक्स है बेसिकली। गूगल ने इसको वहाँ से फोर्क करके और बनाया, और उसके बाद ये भी ओपन सोर्स है, इसीलिए मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंपनीज एंड्रॉयड यूज़ कर रही हैं। 23% आईफोन्स हैं, आईफोन भी यूनिक्स चला रहा है। विंडोज़ हम देखें इसके अंदर 0.08% विंडोज़ है। ये इसका लिंक मैं तलाश करके डाल दूंगा इंशाल्लाह ताला। स्टेट काउंटर, बहुत सारे स्टेट काउंटर्स हैं। गाड़ियों के अंदर ये चंद तस्वीरें मैं डाल सका, और तस्वीरें बहुत सारी थी, कहाँ डालता इसलिए मैंने डाला नहीं। तो तकरीबन सारी गाड़ियों के अंदर लिनक्स इस्तेमाल हो रहा है, ये इसका आर्टिकल है, इसको पढ़ा जा सकता है। अच्छा जी, एलेक्सा बहुत यूज़ हो रहा है आजकल, वो सारा का सारा लिनक्स से पावर्ड है। एप्पल रन्स ऑन लिनक्स, अरे भाई एप्पल तो विंडोज़ चला रहा है, यूनिक्स चला रहा है, एप्पल के जितने सर्वर्स हैं सब पर लिनक्स चल रहा है। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आईफोन्स है, और ये जो डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एप्पल OS वो है। नासा का जो सुपर कंप्यूटर है, नासा ने 2006 में अपने सारे सर्वर्स को विंडोज़ पर जो थे सबको रिप्लेस करके लिनक्स डाल दिया। वाई? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी, फलां फलां डिमकान डिमकान मैनी थिंग्स। नासा ने तीन रोबोट्स बनाए हैं जिनको स्पेस में भेजा जा चुका है, ये रिपोर्ट पुरानी थी। ये वो रोबोट है, ये वाला, ये जो चौकोर सा नज़र आ रहा है, ये भी नासा का ही जो पीछे बैकग्राउंड बनाया हुआ है। लेकिन ये जो रोबोट है, ये जो स्पेस में गया है, वेरी फर्स्ट स्पेस शटल, स्पेस क्राफ्ट अनमैन्ड, जिसमें कोई इंसान नहीं है, तीन रोबोट्स हैं उसके अंदर, वो तीनों के तीनों लिनक्स पर चल रहे हैं। तो यू कैन थिंक ऑफ द रिलायबिलिटी, द पावर, बला बला बला, खुद भर लें फिल इन द ब्लैंक्स। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली, और जितना एयरक्राफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है चलने का, रेडार सिस्टम, कितनी एयरलाइंस हैं और जिनका रेडार सिस्टम सारा सारे लिनक्स के ऊपर चल रहा है, सबका नहीं चल रहा अभी, सब नहीं आए हैं, ठीक है। अक्सर जो आप दुकानों पर ख़रीदारी करते हैं, ये जो POS होता है वो अगर डेस्कटॉप पर नहीं चल रहा, तो 99% ऑफ द टाइम्स जो डिवाइसेस हैं POS की,
वो सब लिनक्स पर चल रही हैं। वो स्केल नहीं होता, हम पांडा जाते हैं, स्केल होता है, वो भी लिनक्स पर है। और जो पांडा के जितने बॉस हैं, पांडा के, ओथैम के, सब लिनक्स पर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी इन हाउस जितनी भी चीज़ें हैं सबके सब लिनक्स पर चल रही हैं। स्मार्ट टेलीविजन जितने हैं, नेटफ्लिक्स के सर्वर्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स, तो आप भूल जाए ना, 99% नहीं तो 90% वेबसाइट्स जो हैं वो लिनक्स पर ही चल रही हैं। यू जस्ट नेम इट, इवन माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के जो सर्वर्स हैं लिनक्स पर चल रहे हैं, और गूगल क्लाउड, अमेजोन, यू जस्ट नेम इट, सब लिनक्स पर ही हैं। आप ये स्मार्ट डिवाइसेस घर की जितनी आ रही हैं सबके सब, सिक्योरिटी की बात करते हैं आप, जितनी सिक्योरिटी की डिवाइसेस हैं सब लिनक्स पर चल रही हैं। तफसील ख़त्म नहीं होती, आगे चलते हैं। विंडोज़ ये कहता है, मकसद है, डू नॉट लैंड और मेक इलीगल कॉपीज, दिस इज़ कॉपी राइट। लिनक्स है कॉपी लेफ्ट, छोड़ दिया। ये कहता है मेरा हक दो, ये कहता है कोई हक है ही नहीं। यू आर लीगली फ्री टू कॉपी, रीइंस्टॉल, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। यू आर फ्री टू मॉडिफाई। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स के अंदर तो जो प्रोग्रामर जो कर सकता है वो कर सकता है, हर प्रोग्रामर फिक्स कर सकता है। दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम मेड बाय द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड, फिक्स बाय द वर्ल्ड, टेस्टेड बाय द वर्ल्ड, इसलिए इतना बड़ा होता चला जा रहा है। ओपन सोर्स एक अलग बहस है, उसके अंदर इस वीडियो में हम तफसील में नहीं जाते। अच्छा जी, पीछे हमने सारी बात की एमएस ऑफिस की, और एप्लीकेशंस आप नेट पर जाइए, गूगल कीजिए अल्टरनेटिव्स टू सॉफ्ट एनी सॉफ्टवेयर नेम, ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टू अडोब फोटोशॉप, ये गिम्प आ गया, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स नेटरन आ गया, फोटोशॉप गिम्प आ गया, प्रीमियर का लाइट वर्क्स आ गया, जस्ट नेम इट, सब कुछ मौजूद है। कैसे जाएंगे भाई, बड़ा मुश्किल है। बात तो सारी अच्छी है, कहानी तो सब अच्छी है, जाएंगे कैसे, हाउ टू माइग्रेट, हाउ टू डू इट, बातें सब अच्छी हैं, कैसे करें, बड़ा मुश्किल काम है भाई। जिस तरीके से आया उसी तरीके से वापस हो जाएगा। अभी तक लोग कबूल क्यों नहीं कर रहे, अराउंड 1995 से लोग कंप्यूटर को जानते हैं विंडोज 95 के नाम से, ठीक है। स्कूलों में मेरे सब बच्चे घर के अंदर उबंटू यूज़ करते हैं, स्कूलों के अंदर मजबूरन विंडोज़ यूज़ करते हैं। अबू वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ऐसा करें एमएस ऑफिस डाल दें, कोर्स में तो एमएस ऑफिस ही चल रहा है, कोर्स में तो प्रेजेंट पावर पॉइंट पर ही जो है वो डाल रहे हैं। तो मैं नहीं देखा, 19 साल से हम लोगों को पुश कर रहा हूँ, लोग पुश नहीं हो रहे, पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ, नहीं तैयार। पिछली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500,000 में 1,000 के सालाने के लाइसेंस ले रहे थे विंडोज़ से, और वो लाइसेंस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस के नाम से जा रहे थे। ये 500,000 सिर्फ डेस्कटॉप्स थे, सर्वर्स उसके अलावा थे, मैंने एक्सट्रैक्ट कराया था तो मुझे ये पता चला था फाइनेंस में से। माइग्रेट टू लिनक्स कैसे, एज अ नेशन जाना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं जाएंगे। उसके लिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को किसी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तक जाना होगा, यूनिवर्सिटीज़ में चेंज कर दें, स्कूल्स में चेंज कर दें, एंटरप्राइज में, थर्ड ऑर्डर एंटरप्राइज का आएगा। अब जब यूनिवर्सिटी के अंदर चेंज हो जाएगा तो 4 साल बच्चे पढ़ते चले जाएंगे इसी को हम। अच्छा, बच्चे सब चले जाएंगे, बच्चे तो आए सीखने के लिए है ना स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। मसला टीचर्स का है, मसला एडमिनिस्ट्रेटर्स का है, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी होते हैं रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको ट्रेनिंग दे दें। एडमिन्स को पहले ट्रेनिंग दें, वो एडमिन्स टीचर्स को ट्रेनिंग दे दें, आप इतना कर दें, कोई खर्चा भी नहीं। अगर खर्चा है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग आजकल तो वैसे ही आसान है, कोविड के ज़माने के अंदर फेस टू फेस ट्रेनिंग्स तो हो ही ख़त्म गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ अभी तक बंद पड़ी हुई हैं, स्कूल्स, कॉलेज, तमाम तालीमी इदारे एक दफ़ा फिर लॉकडाउन में जा रहे हैं, तो सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन है। फ्री ट्रेनिंग यूट्यूब्स, पेड प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स यूडेमी एंड अलाइक साइट्स, और फिर फेस टू फेस ट्रेनिंग्स ऑनलाइन। उसके अंदर जो पढ़ा रहा होता है वो यूनिट प्राइस भी कम कर देता है, $10 फीकस, 200 लोग एक क्लास में, चलो उसके पैसे बन गए,
5 दिन ट्रेनिंग देगा। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 एक ही आप समझें मोर और लेस। सबसे स्टेप 1 में यूनिवर्सिटी के लैब्स को कन्वर्ट कर दें। लैब्स को कौन कन्वर्ट करेगा? ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी का सपोर्ट स्टाफ है, जो विंडोज़ इंस्टॉल करता है, वही लिनक्स इंस्टॉल कर देगा। वो कैसे करेगा? हर यूनिवर्सिटी के अंदर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, एक या दो या तीन। वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स तमाम जो सिस्टम स्टाफ है, सिस्टम एडमिन हैं और जो IT सपोर्ट स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग कर दें। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होंगी। एक फुल आई टी फुल लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, 40 आवर्स इज मोर देन इनफ। इसके अंदर सारी ट्रेनिंग होती हैं। RSC का कोर्स कहना हो जाता। हम सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम एडमिन्स की बात कर रहे। आगे चलिए। तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन मैंने अपने 12 साल के बेटे को एक दिन सिखाई। अगले दिन से वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको एंड्रॉयड चलाना था सिस्टम पर, या वाइन चलाना था, प्ले ऑन लिनक्स चलाना था, उसको गेम्स खेलने थे। वो कभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करता था, कभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करता था। एक दिन की ट्रेनिंग के ऊपर 12 साल का बच्चा जब कर सकता है, जो तो वो IT स्टाफ जो वैसे ही सपोर्ट कर रहा है। कितने लोगों ने आज तक, जो विंडोज़ के यूज़र्स हैं, कितने परसेंट लोगों ने खुद विंडोज़ इंस्टॉल किया, MS ऑफिस इंस्टॉल किया, किसी से इंस्टॉल कराते हैं? दुकान वालों का बिज़नेस चल जाएगा भाई। नौकरियां बिज़नेस ख़त्म नहीं करने कह रहा हूँ, बढ़ाने कह रहा हूँ। जब ओपन सोर्स पर काम करेंगे, आप अपने बच्चों को इस काबिल कर देंगे कि वो सुपर कंप्यूटर्स पर काम कर सकें। आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट करिए भाई। लोग पूछते हैं इतनी डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों है, क्योंकि जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी वो है, जिसको बड़े से बड़ा काम करना है, वो बड़े से बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। ओपन सोर्स है, नेट पर पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाइए, वहाँ से उसमें जो काम की चीज़ है उसको रखिए, जो बेकार चीज़ उसको निकालिए, काम की चीज़ किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ से उठाइए, किसी और सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर है उसको उठाइए, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। बिजनेस करना है, बिजनेस कीजिए, बेचना है बेचिए, वॉलंटियर करना है वॉलंटियर कीजिए। इसलिए हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अभी मौजूद हैं। जस्ट नेम इट। आपको राउटर का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, उठा लीजिए अपने राउटर, अपने सिस्टम के ऊपर 2 3 4 नेटवर्क कार्ड, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो कीजिए, और राउटर डाल दीजिए, फायरवॉल डाल दीजिए, प्रॉक्सी डाल दीजिए, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट, वो मिल जाएगी आपको। वो मेरे एक दोस्त ने सिस्टम लेकर लिया, इसके ऊपर सिर्फ जो है ना, मुझे वो CD प्लेयर का जैसे होता है ना, मुझे बस DVD पर बयान सुनने होते हैं, वो डाल दें। वो मल्टीमीडिया की जो है एक वो डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई, मैंने डाल दी उसके पास। सिस्टम बूट होता था पूरा, एक स्क्रीन जैसे एक आजकल गाड़ियों में आता है ना, गाड़ियों में जो प्लेयर होता है, वो वाला प्लेयर था, और उसके अंदर आप किसी फोल्डर से भी उठा सकते थे, क्योंकि हार्ड ड्राइव मौजूद थी, और CD DVD को भी रीड करता था। उस वक्त तो CD ही थी उसके साथ, उसके पास CD को रीड कर लेता था। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रेस प्रेस प्रेस, पॉज, यानी वो एक मीडिया प्लेयर था, और कोई लिंक्स विंक्स नहीं आ रहा था जो आज गाड़ियों के अंदर आ रहा है। आगे चलिए। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या कहाँ कहाँ ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स आप दीजिए 40 घंटे की ट्रेनिंग इज़ मोर देन इनफ। 2 3 घंटे के अंदर उबंटू डेस्कटॉप यूज़र्स को पढ़ा सकते हैं कि कैसे आप MS ऑफिस, पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जस्ट उनको स्टार्ट बटन दबा दीजिए, आइकन्स बता दीजिए, 5 मिनट का काम है। जब लैब्स के अंदर आ जाएगा, लैब इंस्ट्रक्टर को आपने पहले ट्रेन कर दिया, टीचर्स को, जो लैब इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स हैं उनको आप 2 3 घंटे का सेशन दे दीजिए। उसके बाद IT स्टाफ से कहिए इंस्टॉलेशन करो, वो इंस्टॉलेशन करेगा। 2 महीने का काम है, हज़ारों लैब्स हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई 3500 के करीब कंप्यूटर्स हैं, उसमें से आधी लैब्स तो VDI पर चल रही हैं। VDI के ऊपर आपको एक ISO इमेज क्रिएट करना है, वो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा जो अभी भी कर रहा है, जो 40 घंटे की ट्रेनिंग, 40 आवर्स की ट्रेनिंग लेना है उसमें। वो एक ISO इमेज क्रिएट करेगा, पुश करेगा, टेस्ट करेगा, चला देगा। VDI लैब्स तो आधी हो गई, बाकी आधी रह गई, 3500 में से 1500 कंप्यूटर्स रह गए। वो जो IT स्टाफ को हमने ट्रेन किया है वो जाकर इंस्टॉलेशंस कर देगा। एक लैब के अंदर 35 कंप्यूटर्स हैं, एक वक्त में 4 आदमी भेज दीजिए, आपका लैब एक दिन में तैयार। आपकी 100 लैब्स में से आधी तो वो निकल गई, 50 लैब्स 50 दिनों के अंदर आपने टीम को डिवाइड कर दिया। आप इसके लिए बाहर से रिसोर्स ले सकते हैं, पेड रिसोर्स, नहीं तो आपकी इंटरनल। उसके माइग्रेशन स्टाइल क्या हो, सबसे पहले आप जो कायोस्क हैं उसको माइग्रेट कर दीजिए, जितने लैब के कंप्यूटर्स हैं और लाइब्रेरी के कंप्यूटर्स हैं उनको कर दीजिए। VDI क्लाइंट के अंदर थोड़ी सी रिसर्च है, कर दीजिए, हो गया। लैब्स कन्वर्ट हो गई, 1 साल एक बच्चा पढ़ेगा, वो बिल्कुल आदी हो जाएगा उसका। 4 साल पढ़ेगा तो क्या, इसमें मुश्किल क्या है? ये एक उबंटू का और डेस्कटॉप है, यानी आप इसको कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से नज़र आ रहा है, बिल्कुल एप्पल की तरह इसकी स्किन बना दी है।
है वो ये उबंटू, ठीक है, कस्टमाइजेशन ये वो सब कुछ कर सकते हैं आप, आगे चलिए। हाँ ये अहम बात जो पहले बता चुका है, स्टूडेंट्स विल डील, ये कहीं से कॉपी किया हुआ है, वेदर यू गिव दैम, वट एवर यू गिव दैम, वरी अबाउट द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम डिस्कस कर चुके। माइग्रेशन प्लान हमने डिस्कस कर लिया, लोगों से काम कराने के लिए या तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है, या फजीलत सुनाई जाती है, या वाइद सुनाई जाती है, काम करना है तो ये पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे तो ये पिटाई मिलेगी। तो एक जब सरकारी ऑर्डर होगा तो सब खुद करेंगे, जो इसके ऊपर आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए उसको बोनस रेज अवार्ड वट एवर एक्स वाई जी। स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए कि भाई आप जो है ना ओपन सोर्स, यानी जनरली स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बनाएंगे, जो आईटी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाएं, ओपन सोर्स टूल्स को यूज़ करते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसके ऊपर उनको एडिशनल नंबर्स दीजिए, चीज़ें कीजिए। अब ये क्या हुआ? नहीं, ये लिनक्स में नहीं होता। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है लिनक्स में नहीं आता है, लिनक्स के अंदर कोई अगर चीज़ स्टॉप हो जाए तो आप किल की कमांड से किल कर सकते हैं, ये हम आपको पहले ट्रेन कर चुके होंगे। ओपन सोर्स के बड़े फ़ायदे हैं, ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, जिसमें काफ़ी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों को जो पढ़ेंगे ओपन सोर्स, उनके लिए प्रोग्राम के अंदर जाना चीज़ कैसे हो रही है। मैं जब स्टूडेंट था मुझे बड़ा शौक था प्रोग्राम चल कैसे रहा है, गेम चल रहा है तो गेम चल कैसे रहा है, और पीछे जाकर गेम की ये चीज़ें उठाना, वो चीज़ें उठाना, प्रोग्राम कैसे चल रहा है, एक्सेल में क्लिक कर रहे हैं तो राइट पर कैसे आ रहे हैं, बॉक्सेस कैसे हैं, बच्चों को शौक होता है, इस शौक की बुनियाद पर नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। हम क्लोज सोर्स पढ़ाते हैं, चंद गिनती के बच्चे जो सॉफ्टवेयर में जाते हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट वो भी नहीं कर सकते, तो ये इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, पूरी कॉम की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जब आपकी कॉम की क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में आगे जाएंगे। चाइना ने 2001 के अंदर अनाउंस कर दिया था कि वी आर माइग्रेटिंग टू लिनक्स एज अ नेशन, दुनिया की हर चीज़ चाइना बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सब में, जितनी चीज़ें गिनवाई सब में लिनक्स चल रहा है, बना रहा है चाइना, एक्सपोर्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, एप्पल की कॉपी कैसे बना दी भाई, उन्होंने सोर्स किया बच्चों को, 20 साल के अंदर बच्चे जवान हो गए, लिनक्स के ऊपर तरबियत पाई, अब उनके लिए खेल रह गया, घर का खेल है। ये कुछ स्टैट्स मैंने इन वेबसाइट से जमा किए हैं कि कंट्री वाइड कहाँ कहाँ लोग यूज़ कर रहे हैं। जर्मनी के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं 33 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सब लिनक्स पढ़ रहे हैं, लिनक्स पर पढ़ रहे हैं, लिनक्स नहीं पढ़ रहे हैं, लिनक्स पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं एज अ डेस्कटॉप। ब्राज़ील के 35 मिलियन स्टूडेंट्स, 50,000 स्कूल्स के अंदर जो कंप्यूटर लैब्स हैं, 5,23,400 कंप्यूटर स्टेशन हैं, वो सब लिनक्स बेस्ड हैं। मकदोनिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस डिप्लॉय मोर देन 80,000 उबंटू बेस्ड क्लासरूम डेस्कटॉप्स, स्कूल से ही शुरू किया है। रशिया ने एक ज़माने पहले ही, बहुत पुरानी न्यूज़ है, ठीक है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बैंक्स चला रहे हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज लिनक्स पर चल रहा है, स्टेट बैंक, बैंक इस्लामी, मीज़ान बैंक, ये लिनक्स पर चल रहे हैं। चाइना के जितने रूरल स्कूल्स हैं 50,000 स्कूल्स लिनक्स पर चल रहे हैं। मलेशियन गवर्नमेंट, इंडोनेशियन गवर्नमेंट, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अहम चीज़ है, यूज़ लिनक्स, सेविंग $4.7 मिलियन 2011-12 में, पुरानी न्यूज़ है, फिर ये रिकरिंग सेविंग है, लिस्ट इन लिस्ट इनके अंदर लिंक्स में मौजूद है। नाउ यू हैव टू डिसाइड लिनक्स इज़ बेटर और विंडोज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह पाक मुझे भी समझ नसीब फरमाए और इसका फ़ायदा हमारी कौम को हो, मुझे हो, आपको हो, फ़र्द इस्तेमाल करेगा फ़र्दी फ़ायदा होगा, कौम कोई कंपनी इस्तेमाल करेगी उसका फ़ायदा होगा, कौम इस्तेमाल करेगी कौम का फ़ायदा होगा। होप कि चीज़ें मैं समझा सका हूँ, अल्लाह करे। ये प्रेजेंटेशन, यू कैन फाइंड दिस प्रेजेंटेशन एट पाकिस्तान डॉट इकबाल साजिद डॉट कॉम, और मैंने इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि क्रिएटेड बाय इकबाल साजिद, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉपी प्रोमोट, किसी तरीके से बात कॉम तक पहुँच जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।